G20 के लोकाचार पर आधारित दुनिया में शांति की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए विज्ञान, धर्म और तत्वज्ञान की अनूठी तथा ऐतिहासिक 9वीं वैश्विक संसद वाराणसी के श्री काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर में आयोजित की गई थी। सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक और आध्यात्मिक ज्ञान तथा तत्वज्ञान को एक साथ लाते हुए शांति तथा सद्भावना की संस्कृति को बढ़ावा देने और एक शांति प्रिय समग्र वैश्विक समाज का विकास करने के तरीकों पर इन 3 दिवसीय संसद में चर्चा हुई। काशी में आने वाले तीर्थयात्रियों तथा भक्तों की आसान आवाजाही के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा बनाए गए काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ कराड़ जी ने काशी विश्वनाथ ज्ञान कॉरिडोर का रूप दे दिया और यहीं पर संपन्न हुई विज्ञान, धर्म और तत्वज्ञान को समर्पित 9वीं वैश्विक संसद। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ काशी वाराणसी के प्रांत संयोजक डॉक्टर शुभदेव त्रिपाठी जी ने अपने विचार व्यक्त किए। वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस सभा के मुख्य अतिथि महामहिम राज्यपाल महोदय, जो अपने इस गुरुतर दायित्व के साथ ही इस राष्ट्र के राष्ट्रीय मनीषा में अपना अग्रणी स्थान रखते हैं, जिसको संपूर्ण राष्ट्र, सभी धर्म जाति वर्ग के लोग सहज भाव से आपको स्वीकार करते हैं, ऐसे राष्ट्रीय मनीषी इस सभा के आयोजक, ये अत्यंत सौभाग्य का विषय है कि देवादिदेव महादेव के इस विश्वनाथ धाम में उनके सबसे प्रिय पुत्र खुद विश्वनाथ कराड़ जी जो इसके आयोजक है, आप हम सबके बीच में विद्यमान हैं। इस मंच पर पद्म भूषण महामहोपाध्याय आचार्य वशिष्ठ त्रिपाठी जी, जो काशी विद्वत परिषद के अध्यक्ष भी हैं, जिनको भी हमने सुना है, आप भी उपस्थित हैं, आप तमाम चिंतक और महामनीषी आज इस मंच पर हैं। मैं आप सबको प्रणाम करते हुए इस सभा कक्ष में सभी धर्मों के आचार्य, जो सबके लिए पूज्य है, मैं आपके चरणों में भी प्रणाम करता हूं, आप सबके चरणों में प्रणाम करता हूं, और धर्मानुरागी जो प्रतिनिधि रूप में यहां अपनी सभा में उपस्थित हैं, आपका भी, आपको भी मैं प्रणाम करते हुए, आपका स्वागत अभिनंदन सबका करते हुए बहुत संक्षेप में अपनी बात रखूंगा। हर राष्ट्र का एक चरित्र होता है, इस राष्ट्र का भी एक चरित्र है, वो है आध्यात्म। अगर इस देश से आध्यात्म को, इस राष्ट्र से अगर थोड़े देर के लिए भी बाहर करते हैं, तो कुछ बचता ही नहीं, एकदम खोखला हो जाएगा। और वही आध्यात्म है जो तमाम मत, पंथ, धर्म के अनेकानेक माध्यमों के द्वारा ये प्रकट होता रहता है, वो चैतन्य करता रहता है इस राष्ट्र को, वही हमारी इस राष्ट्र की राष्ट्रीय शक्ति है। धर्म कोई हो, कोई मत हो, पंथ हो, संप्रदाय हो, वो सब इस राष्ट्र के कल्याण के लिए ही विचार करते हैं। सनातन धर्म, जिसका मैं प्रतिनिधित्व कर रहा हूं,
चिर सनातन होते हुए भी नित्य नूतन है। आज से सहस्रों सहस्र वर्ष पूर्व जो बातें कही थी, आज भी लगता है कि आज के परिप्रेक्ष्य में भी वो सभी बातें उसी रूप में हम स्वीकार करें तो हमारा जीवन बहुत सुंदर हो सकता है, कल्याणमयी बन सकता है, एक दूसरे का पोषक बन सकता है, हम सब आपस में परस्परावलंबी बनकर इस राष्ट्र को मजबूत कर सकते हैं। इसी राष्ट्र के मनुष्यों ने यह घोषणा की 700 वर्ष पूर्व, अयम निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम् उदार चरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्। ये मेरा है, ये पराया है, ये लघु चित्त वाले लोग इस पर विचार करते हैं। उदार चरित वाले तो पूरी पृथ्वी को, संपूर्ण सृष्टि को अपना कुटुंब मानते हैं, परिवार मानते हैं और ऐसा मानकर व्यवहार करते हैं। ये सनातन की पहचान है। हम सभी भिन्न भिन्न माध्यमों से उपासना कर रहे हैं लेकिन जाते कहां हैं? आकाशात् पतितं त्वयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारः केशवं प्रति गच्छति। उसी प्रकार हम सबकी प्रार्थना वो विष्णु, वो नारायण को ही जाती है, किशोर जाती है। वो मतपंथ भिन्न हो सकता है, विचार करने का ढंग भिन्न हो सकता है लेकिन वो सब कल्याणकारी है, यही इस राष्ट्र की मूल भावना है। ये जो जिस विषय को मैं कर रहा था, और ये ऐसा ऐसा सनातन धर्म है जो पूरे विश्व के कल्याण के लिए कहता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। ये कौन उद्घोष कर रहा है? इस राष्ट्र की केंद्रभूत जो विचारधारा है वो यही है कि सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सभी प्रसन्न रहे, सभी आनंद में रहे। ये जो विचार है अपना, ये विचार इस राष्ट्र का मूल भाव है, ये हमें समझना पड़ेगा। हम चाहे किसी मतपंथ को मानने वाले हो लेकिन राष्ट्र सर्वोपरि है, पोषक और पोषित दोनों है, उसके द्वारा पोषित भी है और उसके हम पोषक भी हैं। हमारे कंधों पर गुरुतर दायित्व है, ये जिम्मेदारी है कि हम उस पर ठीक से विचार करें, हम उसको सोचें। इस सभा का तभी सफलीभूत होगी ये सभा, और ये हमारा संदेश दूर तक जा पाएगा कि हम उसको मन से स्वीकार करें, इस राष्ट्रीय चेतना को, इस राष्ट्र पुरुष को। यदि हम ऐसा विचार करेंगे और हम उसकी मर्यादा की रक्षा करेंगे और हम उस दिशा में प्रयास करेंगे तो आज नहीं तो कल हम उस शिखर पर अवश्य स्थापित होंगे। ये राष्ट्र अवश्य ही विश्वगुरु बनेगा।